मध्य प्रदेश के रीवा में जिले के गढ़ थाना अंतर्गत भौखरी कला में गांव में बिजली की चोरी की शिकायत पर गांव पहुंचे बिजली कर्मचारियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची डायल 100 ने पुलिस कर्मचारियों को मुक्त कराया। बिजली कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। भौखरी कला गाँव के ही रामसिया यादव ने CM हेल्पलाइन के कुछ लोगों द्वारा बिजली चोरी की शिकायत की थी। इसी शिकायत की जांच करने विभाग के 11 कर्मचारी गुरुवार की दोपहर गांव गए थे, जहां गांव के एक व्यक्ति यज्ञनारायण यादव एवं उसके सहयोगियों ने बिजली कर्मचारियों को कट्टे की नोक पर घेर लिया, जिसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही शाम को गांव में पुलिस पहुंची और बिजली कर्मचारियों को मुक्त कराया। पुलिस के आने की आहट पाते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारी जब गाँव पहुंचे तो उन्होंने पता चला कि आरोपी बिना बिजली कनेक्शन के ही बिजली का उपयोग कर रहा है। साथ ही साथ एक मोटर पंप भी पाया गया है, जिसका कनेक्शन भी आरोपी ने नहीं ले रखा है। इसकी जानकारी लेने के बाद जब कर्मचारी आरोपी के पास पहुंचे तो उसके विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। भौखरी कला गांव में बिजली कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने की शिकायत पर थाने पर की गई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश जारी कर दी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हाँ, ये लालगांव चौकी क्षेत्र के पास, लालगांव के पास का एक गांव था, भौखरी करके गांव है। वहाँ पर MPB के कुछ कर्मचारी गए थे। एक तो CM ऑनलाइन की शिकायत का कुछ था, तो उससे संबंध में चर्चा करके उसको बंद कराने का वो कर रहे थे। दूसरा चीज़ था बिल बकाए थे, तो उस संबंध में वहाँ जब ये लोग गए तो कुछ बात विवाद हुआ, तो उसमें वहाँ लोगों को रोक लिया गया। रोकने के बाद जब इन 100 डाल को खबर आई तो 100 डाल ने जाकर उनको मुक्त कराया। उनने जो लिखित में आवेदन पत्र दिया, उसके आवेदन पत्र पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, जिसमें धारा 353, 341, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया, जिसमें एक पूर्व सरपंच भी है और बाकी के लोग हैं। इसमें जो पुलिस के द्वारा भी मामला दर्ज करके इसमें विवेचना की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुछ विवाद हुआ था, मैं बताया आपको कि एक तो CM ऑनलाइन की शिकायत बंद कराने गए थे, साथ में बिल पेंडिंग का मामला था जिसका भुगतान कराने का प्रयास कर रहे थे। उस बात पर से वहाँ विवाद हुआ, जिससे उनको वहाँ पर रोक लिया, वो आने नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने 100 डाल लगाया, पुलिस गई थी मौके पर, पुलिस ने जाकर मामले को सॉर्ट आउट करा दिया। फिर फरियादियों ने जब पुलिस पर शिकायत की तो उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया। ना बंदूक वगैरह की बात नहीं आई, फिर भी अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे तथ्य आते हैं तो पुलिस उस तथ्य को लेकर भी शामिल करके कार्रवाई करेगी। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई।